ये बहुत ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि महामना की जो ज़िंदगी है इतनी अनुकरणीय है, इतना प्रशंसनीय है, उसकी आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज करीब अपने जीवन से 100 साल आगे थे वो। आज समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि कंपलसरी हो, क्योंकि शिक्षा के बगैर आदमी अधूरा है। और जो उनका उस वक्त का कथन था कि देश का सामान देश पे बने, और जो आज हम बातें कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं, वो महामना ने तब देखी और तब करके दिखाई, और ये कहा कि जो देश में पैदा हो, जो देश में पैसा बने, वो देश में ही रहे। मुझे लगता है कि ऐसे शख्सियत की जयंती मनाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आज देखिए परमात्मा का आशीर्वाद कि जिस पार्क में पिछले 8 साल हम नहीं आए, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं बुलाया गया, आज देश की जनता ने, क्षेत्र की जनता ने, दिल्ली की जनता ने विधायक और तीनों पार्षद को आधिकारिक रूप में बुलाया। और चूँकि डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री बने किसी पार्टी का, कोई पार्टी का मुख्यमंत्री बने, किसी पार्टी का विधायक बने, लेकिन डेमोक्रेसी की महत्ता बनी रहनी चाहिए। तो हमने आज सबको आमंत्रण दिया था, जो कांग्रेस के नेता उनको भी आमंत्रण दिया था, जो भाजपा के नेता उनको भी आमंत्रण दिया था कि सब आएँ और सब साथ मिलकर काम करें, तब जा कर के डेमोक्रेसी असली मायने में सफल हो सकता है। तो आज महामना की जयंती भी, और आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, जिन्होंने इस देश को राजधर्म की पाठ पढ़ाई, और आज क्रिसमस भी है, और इसी सप्ताह शहीदी सप्ताह भी मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सर्वस्व दान किया, अपने बच्चों को बच्चों की कुर्बानी दी, अपने परिवार की कुर्बानी दी, उसको भी इसी सप्ताह मनाते हैं। तो इस सबको मिला करके अगर आप देखें तो इस प्रकार की जो एक माहौल है, और तुलसी दिवस भी मनाते हैं, तो इस हर प्रकार मतलब हिंदू भी हो गया, सिख भी, ईसाई भी, और मुसलमान भाई सारे सम्मिलित हैं, तो हिंदुस्तान ऐसे बनता है। तो हिंदुस्तान जहाँ के हर कोई फल फूल सके, महामना की जो विचारधारा थी उस पर हम चल सकें, जो क्रिसमस की एक देन है, जो सीख है कि हम त्याग की मूर्ति बन सकें, जो वाजपेयी जी का देन है कि राजधर्म का पालन कर सकें, इस सब को आगे रखते हुए हम देख रहे हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने खूब बिल्कुल उत्साहपूर्वक मनाया, क्षेत्र के हर कोने से लोग आए, शिक्षा अच्छी सोच का वही हमें अपनी ज़िंदगी में ढालना है, और देश और समाज की सेवा करते रहना है। उन्होंने यही बोला है कि अगर हमारे देश का हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो देश की तरक्की निश्चित है, और इसी डायरेक्शन में हमारी दिल्ली सरकार और हम लोग प्रेरित हैं इस चीज़ से कि हमें शिक्षा में सुधार लेके आना है, शिक्षा को उच्च स्तरीय शिक्षा बनानी है। आप पहली बार ऐसे काउंसलर बने? सबसे पहले तो मैं अपनी डीसी अंकिता जौहर मैम का शुक्रिया करना चाहूँगी। हमारे यहाँ के विधायक श्री सोमनाथ भारती जी मुख्य अतिथि रहे हैं, हमारे 148 वार्ड की सरिता मैम और कमल भारद्वाज जी जो काउंसलर रहे हैं अभी नए नवनिर्वाचित काउंसलर्स हैं, वो भी शामिल हुए हैं, और तीनों वार्ड के RWAs के मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। सभी RWAs के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आज प्रेजेंट थे, और बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था यहाँ पे महामना जी का जयंती मनाने का। तो यही कहूँगी कि जो लोग यहाँ आए हैं उनका शुक्रिया, और MCD के कर्मचारी और उच्च अधिकारी और पुलिस के अधिकारी जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग दिया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।